Hey guys, thanks for watching and subscribing to this channel. Keep liking, keep sharing, keep giving your support to this channel. और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस करिए सो दैट आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए. सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है दिल्ली टू नेपाल, जो मेरा रोड ट्रिप है उसका प्रिपरेशन वीडियो. मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं एक रोड ट्रिप का प्रिपरेशन वीडियो बनाऊं कि क्या प्लान करना चाहिए, कैसे प्लानिंग होती है, क्या क्या जाता है उसके पीछे की तैयारियों में, चीज़ें क्या क्या होती हैं. और मैंने सोचा उसके लिए मैंने एक एक्सेल में काफ़ी लंबा चौड़ा नोट भी बनाया, बट उस टाइम पर अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मुझे सही नहीं लगा कि मैं लिख लिख के बताते जा रहा हूँ ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ. तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसको वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में मैं उसको नहीं ला पाया. बट अभी फॉर्चुनेटली क्योंकि ये रोड ट्रिप मैं कर रहा हूँ जो मैं जा रहा हूँ अभी करने के लिए, एंड आई एम ट्राइंग नेपाल बॉर्डर तक जाया जाए. दो नेपाल के साथ हमारे रिलेशन उतने अच्छे अभी नहीं चल रहे हैं तो पता नहीं एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी और क्या होगा. बट इस ट्रिप में जो मेजरली मैं एरियाज कवर करने वाला हूँ वो है यूपी के कुछ सिटीज, अयोध्या जो कि अभी बहुत फेमस राम मंदिर के लिए जो काफ़ी सब लोग बहुत हॉट टॉपिक है अयोध्या, और उसके बाद वाराणसी, मधुबनी, दरभंगा. सो मधुबनी दरभंगा इज द पार्ट ऑफ बिहार, और तो यूपी से बिहार होते हुए एक रूट पे जाके नेपाल जाना है एंड देन नेपाल से वापस आते हुए अगेन फ्रॉम बिहार आई टेक अनदर रूट एंड ट्राई टू कवर डिफरेंट सिटी. तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे इस ट्रिप में कवर करनी है, तो उन सब को कैप्चर करते हुए आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस ट्रिप. और अभी बारिश का सीज़न है, बहुत अच्छा वेदर नहीं माना जाता इसको रोड ट्रिप के लिए, बट मुझे ऐसे ही मौसम में मज़ा आता है. और द थिंग इज़ कि जब सब कुछ ठीक हो, सब कुछ स्मूथ हो, कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कोई चैलेंजेस ना हो आपके सामने, तो फिर क्या मज़ा, काहे का एडवेंचर. तो गाइस, ये ट्रिप के बारे में आगे के वीडियोस में पोस्ट करता रहूँगा. अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस रोड ट्रिप के लिए क्या क्या प्लान किया, क्या क्या तैयारी की है और कैसा दिख रहा है वो सब कुछ. सो गाइस, तो ये देख सकते हो आप कि ये है पूरा सामान जो बिखरा पड़ा है एंड देन देयर इज सम स्टफ. तो गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स स्टार्टिंग. तो इस ट्रिप को मैं कैंपिंग के उसमें रखने वाला हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं कैंपिंग भी करूँ, रास्ते में जहाँ रुकूँ अपना खुद का कैंप सेटअप करूँ और उसमें रहूँ. होटल्स में रहना अभी वैसे भी उतना सेफ नहीं है तो इसलिए भी, और ऑब्वियसली आई ऑलवेज प्रिफर टू स्टे इन कैंप्स. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि ये मेरा टू प्लस का डी कैथलॉन से ख़रीदा हुआ कैंप है, तो इसमें एक आदमी बहुत कंफर्टेबली सो सकता है, राइट. ये मैग्नेटिक टैंक बैग है एंड अगर आप ये देखोगे दिस वाटर प्रूफ सीट कवर, तो बाई चांस बारिश हो रही है और आप कहीं रुक गए हो, साइड में खड़े हो, तो आप सीट के ऊपर लगा सकते हो तो ये आपको उसको प्रोटेक्ट करेगा. देन दिस इज़ बंडाना, दीज आर बंजी नेट्स, प्रॉपरली सामान बंध जाए, ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं हिलना हिल सके उसके लिए. देन ये तिरपाल है, सो जब पूरा पूरी बाइक आपने कवर कर दी है तो आपके जो सेडल बैग्स हैं जो कि ये हैं, तो मैं अभी अटैचमेंट वाला सेडल बैग यूज़ नहीं कर रहा हूँ या बॉक्सेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग दिस गोल्डन राइडर सेडल बैग्स जिसमें ये स्ट्रैप्स हैं, तो अगर आप देखोगे तो बीच में ये ऐसे जॉइंट आ जाएगा और दोनों साइड बैग लटक जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रैप के थ्रू हो जाता है. एंड इनको बाय चांस बारिश बहुत तेज़ आती है और आपको है कि आपको चलाना ही है तो आप खुद को तो प्रोटेक्ट कर लोगे, सामान की प्रोटेक्शन के लिए तिरपाल है कि आपने ये पूरा डाला और फिर वो बंजी नेट से पूरा बांध दिया. देन हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक स्टफ, कुछ कुछ चीज़ें आपने शायद देखी होंगी, कुछ कुछ नहीं देखी होंगी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो भी मेडिसिन आपको लगता है कि आपको होना चाहिए, पेट दर्द, गैस, गले में दर्द, खांसी, जुखाम, बुखार, जो भी आपको लगता है कि हो सकता है उसको आप ज़रूर एक छोटा पैकेट बना के रख लो. दीज आर सम गोप्रो एक्सेसरीज, रिचार्जेबल सेल्स, छोटा सा कैंपिंग वाला स्पीकर, ये गोप्रो की अगेन एक्सेसरीज, मल्टीपर्पज़ टूल, दिस इज़ ब्लूटूथ स्मार्ट सनग्लासेस इनसाइड दिस, ये मेरा टायर इन्फ्लेटर है जो मैं बाइक के थ्रू कनेक्ट करके कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ बाइक की बैटरी को यूज़ करते हुए.
बट डेफिनेटली इसको तभी यूज़ करना है जब आपकी बैटरी बाइक ऑन हो, ये नहीं कि डायरेक्ट बैटरी पे आपने लगा दिया तो बैटरी आपकी ड्रेन हो जाएगी। दिस इज़ म्यूला नाइफ और काफ़ी कॉस्टली नाइफ है। जब मैंने ये ख़रीदी थी काफ़ी साल पहले कश्मीर से कन्याकुमारी वाले ट्रिप पे मैंने इसको ख़रीदा था, तो अगर आप देखोगे सो एज़ यू कैन सी इज़ वेरी गुड, इट्स मल्टीपर्पज़ नाइफ, आपकी सेफ्टी के लिए भी है, तो मैं इसको मोस्टली सेफ्टी के लिए रखता हूँ। एंड देन सम बैटरीज, ये नॉर्मल सेल रिचार्जेबल अगर काम ना करे तो उसके लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ स्टफ़ है मेरे पास, पावर बैंक हैं ये छोटे बड़े जो भी थे मेरे पास, मैंने सब यूज़ कर लिया। देन द वेरी इंपॉर्टेंट की थिंग इज दिस थिंग, जिसको मैं अपने जैकेट के पीछे बांधने वाला हूँ और इसको मैं पीछे बांधूंगा। अब ये क्या काम करती है वो आपको अभी पता चलेगा। सो गाइस कैन यू सी दिस, अब देखिए इसका कमाल। रात को आपको ये बहुत हेल्प करेगी। सी आपने अपने पीछे लगा लिया जैकेट पे कहीं भी, इसमें तीन स्टेप्स पे हैं और इसके अंदर एक छोटा सा सेल है जो पहले काफ़ी यूज़ होता था। और ये देखिए, तो इसमें तीन मोड हैं, फास्ट, स्लो और ये। तो ये आपने पीछे बेसिकली रिफ्लेक्टर का काम करेगा जब आप रात को गाड़ी चला रहे हो, और ये छोटा सा सेल है जिसके थ्रू ये सारा हो जाता है। तो लेट मी स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज़। तो और ये सैडल बैग आपने देख ही लिया। देन ये ग्लव्स एक एक्स्ट्रा पेयर रखे हैं मैंने इधर, इसमें एक जेरी कैन है इस वाले साइड में, एक सैडल बैग पूरा मेरा ये जेरी कैन का है, जो जेरी कैन के अंदर आई बी कैरिंग एक्स्ट्रा फ्यूल पेट्रोल, क्योंकि जो मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे ताज एक्सप्रेसवे लेने वाला हूँ उसमें कुछ पता नहीं है। और जो बाइक, जो कि एक चीज़ अभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, जो बाइक मैं इस बार यूज़ करने वाला हूँ That is very interesting thing। और उस बाइक के साथ जो है ये ट्रिप मैं कंप्लीट करूँगा, तो उसमें वैसे भी फ्यूल कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो आई एम कैरिंग दिस एक्स्ट्रा। इसके अंदर कुछ बर्तन हैं एल्यूमिनियम के, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, तो छोटे से दो तीन चीज़ों का सेट है, अगर कुछ मैगी वैगी पकाना हो, पानी उबालना हो, कुछ गर्म करना हो तो आप कर सकते हो। दिस इज माई टॉर्च, इस टॉर्च को जब मैंने ख़रीदा तो मुझे इस पर 25 साल की वारंटी मिलती है, इट्स अ कम्प्लीट मेटल टॉर्च, और सालों साल मतलब मुझे लगता है 4 साल से इसमें एक ही बैटरी ड्यूरासेल की डली हुई है, वही चलती है, चले जा रही है। दिस इज रोप इन केस ऑफ इमरजेंसी, गाड़ी टो करनी पड़े, कुछ बांधना पड़े, टेंट में भी हो सकता है काफ़ी तूफान हवा चल रही हो, तो उसके लिए काफ़ी हैवी ड्यूटी वाला रोप है ये। ये आपका पिलो है जो क्या बोलते हैं, इन्फ्लेटेबल पिलो जो आता है आपका, मुंह से फूंक भर के आप इसको फुला सकते हो। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर टेप रखता हूँ हमेशा अपने साथ, डॉक्टर टेप बहुत स्ट्रांग होता है, और मुझे याद है एक बार रेड डे हिमालय के टाइम पे इस डॉक्टर टेप ने की वजह से मेरी रेड का वो स्टेज कंप्लीट हो पाया था, क्योंकि इस डॉक्टर टेप से मैंने अपने गियर लीवर को बांध दिया था और वो कहीं नहीं गया था, इसकी ये इतना मजबूत होता है। दिस इज़ कैंपिंग लाइट, तो ये कैंप के अंदर मैं इसको ऐसे टांग सकता हूँ और ये रात को रात भर जलता रहेगा। इसके अंदर भी सेल्स लगते हैं, वही जो ये पेंसिल सेल है AA, तो ये इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा कैरी किया है। और उसके बाद ये फेविक्विक, कभी टायर पंचर कट जाए फट जाए उस केस में ये बहुत हेल्प करता है, तो ये रखना चाहिए आपको हमेशा कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो। इसमें फिर कुछ ये थोड़े बहुत नमकीन हैं, मैगी के पैकेट्स हैं, देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो रैली रेसेस में आपको बताया जाता है कि कहाँ गया, यस प्रोटीन बार्स, ये इसको इमरजेंसी राशन बोलते हैं, कहीं आप फंस गए कुछ हो गया तो एक प्रोटीन बार खाया और वो आपको पूरा 24 घंटे तक एनर्जी आपकी पूरी बना के रखता है। सो गाइज ये है, दिस इज माय ओल्ड हेलमेट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसका गोप्रो का ये जुगाड़ किया है मैंने फ्रंट में, एक्चुअली ये हेड स्ट्रैप है, उस हेड स्ट्रैप को मैं फ्रंट में यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस हेलमेट में कोई अच्छी पोजीशन मुझे मिलती नहीं है जिस पर मैं इसको टांग सकूं, दैट्स व्हाई। एंड दिस इज बंडाना जो हेलमेट के नीचे मैं यूज़ करने वाला हूं, एक वो रहा एक ये रहा, तो दो तीन चीज़ें हैं। दिस इज़ अगेन माय पंचर किट, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसकी तरफ, अब हम चलते हैं राइडिंग गियर की तरफ। तो दिस इज़ माई राइडिंग गियर, ये जैकेट है, ये वेदरिंग
वेदर प्रूफ ग्लव्स हैं, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैंने लिया है गर्मी के लिए, मैंने वो छोटे वाले ग्लव्स लिए हैं। देन नाउ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक थिंग इज दिस, ये आपकी निक्कर जो आप पहनोगे, जीन्स पैंट जो भी उसके अंदर, इसके अंदर आप देख लो सी सर्टिफाइड प्रोटेक्टर्स, ये आपको जनरली मिलेंगे नहीं, साइक्लिस्ट के लिए अवेलेबल होते हैं, बाइकर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेयरली मिलता है, थैंक्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने मुझे ये दे दिया था, तो मेरा काम हो रहा है। और तो ये है, और उसके बाद दिस इज रेन लाइनर, बारिश का मौसम है तो आप बारिश में अगर भीगते हुए चलाना चाहते हो तो ये ज़रूरी, एक वेदर लाइनर है ये, तो बेसिकली अभी सर्दी नहीं पड़ रही है बट मैं कैरी कर रहा हूँ, आपको यू नेवर नो, मौसम बिल्कुल ही अचानक से बहुत चेंज हो गया तो उस केस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। दिस इज़ अगेन ये नी गार्ड यूज़ करूँगा मैं, और बूट्स जो हैं वो अभी मेरे बाहर रखे हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये है बी टी विन का हाइड्रेशन पैक, इसके अंदर वाटर वाला, वो अभी मैंने वॉश करने के लिए डाला है, तो वाटर बैग है जो आप बाइक चलाते चलाते हेलमेट के अंदर पानी पी सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो।